हेलो एंड वेलकम बैक टू फूड फिलिक। आज हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ओरियो मिल्क शेक, जो कि सबका फेवरेट है। तो उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे है 1 ग्लास मिल्क, फिर है यहाँ पे 6 से 7 कुकी ओरियो की, और फिर यहाँ पे है 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम। मैंने यहाँ पे शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारी ओरियो कुकी और जो आइसक्रीम है वो ऑलरेडी स्वीट होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून शुगर ऐड कर सकते हैं। हमें इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक ब्लेंडिंग जार। उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारी ओरियो कुकी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 6 से 7 ओरियो कुकीज़ को ब्रेक करके डाल दिया है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा वनीला आइसक्रीम। और फाइनली इसमें हम अब ऐड करेंगे मिल्क। हम यहाँ पे चिल्ड मिल्क यूज कर रहे हैं, हम इसमें आइस नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो ये कंपैरेटिवली थिन हो जाता है। तो अब हम इसे करते हैं ब्लेंड। लगभग इसे मैंने 10 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लिया है। अब इसे करते हैं सर्व। और ये हमारा ओरियो मिल्कशेक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी बहुत यम्मी और चॉकलेटी लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ आप इसे इंजॉय करें। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में।